गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारा ट्रेन टॉक्स के एपिसोड में बातचीत। और आप में से काफी सारे लोग कह रहे थे कि हमें आपसे कांटेक्ट करना है, यानी कि मुझसे कांटेक्ट करना है, वो कुछ बात शेयर करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं या उनकी कोई परेशानी है वगैरह वगैरह। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको बड़े आराम से रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि देखिए, आप जैसे जैसे जो फॉलोअर्स है वो बढ़ते जाते हैं, तो एक अपना पर्सनल नंबर शेयर करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे अपनी इंस्टा आईडी दे रहा हूँ, यहाँ भी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। डिस्क्रिप्शन वाली पे क्लिक करते ही आप सीधा मेरी आईडी पे चले जाएंगे, यहाँ पे आपको देख के टाइप करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी और वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सो देट आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी परेशानी है, जो भी बातचीत है, जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं, वो मुझे वहाँ डीएम पे पर्सनली बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारे ट्रेन टॉक्स के एपिसोड को। आज की ट्रेन टॉक्स में ग्राफिक्स नहीं रखने वाला हूँ, नॉर्मल बातचीत करूंगा आपसे, क्योंकि न्यूज में आज की न्यूज का इंप्रेशन ज्यादा बड़ा है, तो मैं ग्राफिक्स नहीं रखना चाहता। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रेलवे ने अपनी नई वेबसाइट बना दी है, IRCTC का एक नया रिफ्रेश लुक आया है। और IRCTC की जो वेबसाइट है वो आपसे कहती है, वो आपको बताती है कि आप क्या हमारा नया वर्जन ट्राई करना चाहेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक IRCTC का नया वर्जन नहीं देखा है या आपने नहीं चलाई है वो वेबसाइट नई वाली, तो एक बार चला लो। अगर नहीं पता किस तरह से चलाते हैं, किस टाइप का लुक दिखता है, या फिर आप खुद नहीं चलाना चाहते फिर भी लुक को देखना चाहते हैं, तो प्राइवेट बटन में लिंक दे रखा है मैंने, कंप्लीट ट्यूटोरियल बना के बता रखा है वहाँ पे कि IRCTC की नई वेबसाइट के अंदर क्या खास है और किस तरह से उसे ऑपरेट करना है। दोस्तों, अभी तक जो हमारा विकल्प का ऑप्शन होता था टिकट बुक कराने को लेकर के, वो अवेलेबल था सिर्फ ऑनलाइन, वो भी IRCTC की वेबसाइट पे, ऐप पर भी वो अवेलेबल नहीं था। बट अब से रेलवे ने उसके अंदर एक्सटेंशन किया है, और एक्सटेंशन ये किया है कि अगर अब आप विकल्प का ऑप्शन जो है काउंटर्स पर भी ले सकते हैं, जो टिकट काउंटर्स होते हैं, जो फिजिकल आप जहाँ पे काउंटर पे टिकट बुकिंग कराते हैं वहां भी आप ले सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि विकल्प क्या होता है, विकल्प काम किस तरह से करता है, इसका फायदा क्या है, तो आई बटन में लिंक दे रखा, आप मेरी डेडिकेटेड वीडियो वहां पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, कल 1 जून को रेलवे की दो बहुत पुरानी ओल्ड ट्रेन का बर्थडे सेलिब्रेट करा गया। मुंबई के कुछ रेल फैंस से मिलकर के वहाँ पे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करा गया, केक वगैरह काटे गए। तो यहाँ पे आप कुछ फोटो देख सकते हैं, फोटो का यहाँ पे क्रेडिट जाता है आकाश राठौड़ भाई को, उसका चैनल भी चेक कर सकते हो। सो उस भाई ने मुझे फोटोज भेजी थी। और यहाँ पे सोर्सेज की माने तो रेलवेज या इन दोनों ट्रेनों को, रेलवेज ने इन दोनों ट्रेनों को अपग्रेडेशन के लिए सेलेक्ट कर लिया है, मतलब इनके अंदर वो जल्दी अपग्रेड लाने वाला है। सुनने में ये आ रहा है कि जो पंजाब मेल है उसको जल्दी LHBFI कर दिया जाएगा, और जो आपकी डेक्कन क्वीन है उसकी लिवरी को चेंज करा जा सकता है। लेकिन जो भी चेंज करा जाएगा वो 15 अगस्त को इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब 15 अगस्त को आपको नई डेक्कन क्वीन देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप लोगों ने कहीं जाने का प्लान बनाया, वहां के लिए टिकट भी बुक कराई, लेकिन एंड मोमेंट में आपका प्लान कैंसिल हो जाता है और आपको अपनी टिकट कैंसिल करनी पड़ती है। और जब आप टिकट कैंसिल करा के आते हैं तो आपको एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ कैंसिलेशन चार्ज यहाँ पे पे करना पड़ता है। तो मेरे साथ एक छोटा सा केस हुआ था। केस क्या हुआ था कि हम लोगों ने टिकट बुक कराई थी अपने त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी की, काफी टाइम पहले की बात है, मतलब लगभग साल भर पहले की बात है। तो टिकट बुक कराई, स्लीपर में टिकट बुक कराई, और हमको 3 लोगों की टिकट पड़ी 450 रुपीज की, सारे चार्जेस वगैरह मिला मिलकर। अब जब मैंने उसे कैंसिल कराया तो मुझे तीनों टिकट पे सिर्फ 60 रुपीज का रिफंड मिला, बाकी के जो मेरे पैसे थे कितने बचे, 390 रुपीज एज अ मैंने कैंसिलेशन चार्जेस वहां पे करे थे, 130 रुपीज पर सीट। सो जो रेलवे से यहाँ पे एक बहुत हेफ्टी अमाउंट चार्ज करता है अपने कैंसिलेशन को लेकर के, यहाँ तक कि जो एयरवेज वगैरह रहते हैं उसके अंदर भी कैंसिलेशन फ्री होता है अगर आप 24 आवर्स प्रायर जो डिपार्चर कर दो। तो यहाँ पे रेलवेज का एक डेटा निकल के आया है कि रेलवेज ने जो है 2,670 करोड़ रुपए कमाए हैं पिछले 2 सालों में सिर्फ एज अ टिकट कैंसिलेशन चार्जेस। अब रेलवेज के जो बोर्ड्स हैं, रेलवेज के अंदर जो इंटरनल सिस्टम है वहाँ पे थोड़ी सी वहाँ पे तहलका मचा हुआ है कि इस चीज़ को या तो हटाना है पूरी तरह से, मतलब कैंसिलेशन चार्जेस या तो फ्री हो जाएंगे, कोई भी आए फ्रीली अपनी टिकट कैंसिल कराएगा, या फिर इसको बहुत ज़्यादा मिनिमम कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत लोग जो है ना अपनी टिकट कैंसिल ही नहीं कराते इस उससे कि यार मिलना तो कुछ है नहीं, ठीक है, और चक्कर में सीट रिजर्व जाती है और बेचारा वेटिंग और RAC वाले को सीट नहीं मिल पाती है। दोस्तों, यहाँ पे रेलवेज ने कुछ अपने टूर पैकेजेस निकाले हैं, तो अगर आप इन छुट्टियों में कहीं घूमना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, तो एक बार ही रेलवेज की टूरिज्म वाली जो वेबसाइट है IRCTC टूरिज्म, वो चेक कर सकते हैं, वहां जाके देख लो, वहां पे कई सारे पैकेज आपको मिल जाएंगे कोई ना कोई सूटेबल होगा। एक नया पैकेज आज उसके अंदर ऐड हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। रेलवेज ने यहाँ पे ग्रीन सिक्किम और चारधाम का एक पैकेज निकाला है, जिसके अंदर अगर आप जाते हैं ट्विन शेयरिंग बेसिस पे, मतलब अगर आप जाते हैं 2 लोग, तो 2 लोगों को यहाँ पे देने पड़ेंगे 14,845 रुपये पर पर्सन। लेकिन अगर आप जाते हैं यहाँ पे 3 शेयरिंग बेसिस पर, तो आपको पर पर्सन देना पड़ेगा 14,560 रुपये पर पर्सन। अगर आप किसी बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं जिसकी उम्र 5 साल से लेकर 11 साल है,
तो उसको लगभग अराउंड 11,000 के आसपास की अमाउंट देनी पड़ेगी। इसके अंदर आपका रहना खाना पीना सब इंक्लूडेड है। इन पैसों के अलावा आपने कुछ और पे नहीं करना, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि आपको इन अमाउंट के अंदर थर्ड एसी में थर्ड एसी ट्रेन दी जाएगी हैदराबाद घूमने के लिए। जो ट्रिप है वो चल रहा है, जो ट्रिप है वो शुरू होगा यहाँ पे कंचन कन्या एक्सप्रेस, जो कि सियालदा से रात को 8:30 बजे चलती है। तो इनकेस इफ यू आर इंटरेस्टेड देन चेक IRCTC वेबसाइट। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आज की कि भाई बहुत 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 अच्छी न्यूज है सारे मुंबई के लोगों के लिए, क्योंकि मुंबई में जब मॉनसून आता है तब वहां की लोकल पड़ती है ठप, और जो आवागमन है, जो कनेक्टिविटी है पूरी मुंबई की, वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो मुंबई की सरकार ने यहाँ पे एक अच्छा बड़ा डिसीजन लिया है। वो डिसीजन ये है कि अब से अगर बाढ़ आई और रेलवे ट्रैक जब ब्लॉक होंगे उनपे पानी, वाटर लॉगिंग जब उनमें पानी भरेगा, ठीक है, तो सबसे पहले जितनी भी MCD की मशीन है, जितनी भी आपकी ये BMC वाले हैं, BMC की जितनी भी मशीनें हैं पानी साफ करने वाली, वो सबसे पहले रेलवे ट्रैक क्लियर करेंगी और उसके बाद वो जाएंगी रोड क्लियर करने, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि हॉचपॉच मची होती थी, चार मशीनें यहाँ लगी हुई हैं, चार मशीनें वहां लगी हुई, अब ऐसा नहीं होगा। सारी मशीन उठा के लगा देंगे सबसे पहले रेलवे को, रेलवे क्लियर होते ही फिर रोड पे काम शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक बार रेलवे क्लियर हो जाएगा तो पूरी मुंबई में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ट्रेन टॉक्स में इतना सब कुछ काफी है। इनकेस इफ सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुभम कुमार साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।